भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी खिरचीपुर मंडल द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी के सामने खेत धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक हजारी लाल डांगी ने कमलनाथ सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों को यूरिया खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि ब्लैक करने वाले बड़े व्यापारियों पर कृषि विभाग और प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बिजली विभाग को भी आड़े हाथों लिया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विचार कर दियो, टीपे के परेशानी, खाद के लिए एक सोसाइटी में आप विचार कर दियो, किसान आए तो लाइन लगे लंबी लंबी, ऋण पुस्तिका लिया है तो क्या आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लिया है तो क्या ऋण पुस्तिका भी लाओ, अरे देनो है तो दतमन और क्यों पोड़ा पा रहे यू ही दे दो दादा वो, अरे जेके ऋण पुस्तिका है जमीनों का जत्तों का ऋण पुस्तिका है, आधार कार्ड कहीं करे जो भी आवे किसान उन्हें दोनी आज प्रधान भी अपने दे रहे हैं मुआवजे कहीं वो फसल नुकसान को मुआवजे, अरे 1000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने दिया उनमें से बांटो नहीं, उन्हें क्यों दर के बेटा था कि आज को कहीं जा रहे गफला रहा न बांट रहा। प्रधानमंत्री जो लोग 2000 रुपए तीन किस्त जो 6000 रुपए साल का जो डाल रहा भी पैसा डाल नहीं रहा, आज एक विचार कर दो चुनाव है तो किसान के लिए ये कर देगा 2 लाख जमा कर देगा, अतरा बड़ा बड़ा आदमी पे विश्वास कर लिया अपने के राहुल गांधी के लिए 10 दिन में अगर 20 पैसा जमा करे तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा तो राहुल गांधी बदल गए पर मुख्यमंत्री का पता नहीं चल रहा, झूठ बोल बाकी हद है। आप देख लो आज धरना प्रदर्शन चल रहे हो तो आज फिर पेपर में खाल पैर आई थी 17 तारीख ने दूसरा चरण को कर जो माफ कर देगा, अगर फिर लगा तो टका नहीं नहीं फिर बदल देगा, मतलब आप ये समझो कि गरीब आदमी किसान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।